बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मुश्ताक खरल और इस इल्म व आगाही के सफ़र में हम कोशिश कर रहे हैं कि चंद ऐसी वीडियोज़ तैयार की जाए जिसमें उन तलबा तलबात को फ़ायदा हो सके जो बाज़ माली वजूहात के बिना पर या कुछ और मजबूरी के बिना पर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ नहीं जा सकते, घर बैठे वो लेक्चर हासिल करना चाहते हैं। तो मेरी ये अदना सी काविश है कि उन तलबा तलबात को फ़ायदा हो सके। जहाँ पर भी अगर मैं कहीं पर गलती पर हूँ तो मैं असाज़ा कराम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरी रहनुमाई करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे ग्रुप्स में शेयर भी करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई रिटर्न मटेरियल चाहिए, जिस तरह के सीएसएस के एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन के और एग्ज़ाम हैं, या आप कोई स्पीच तैयार करना चाहते हैं, तो रिटर्न में मटेरियल के लिए आप mushtaqkharal.com को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये चीज़ मिल सकती है। आज का हमारा जो ये लेक्चर है इंतहाई इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है और अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर ये बताया जाए कि ये जो सी है कहाँ पर सीन की आवाज़ देगी और कहाँ पर काफ की आवाज़ देगी। तो बहुत ही सिंपल इसका जवाब है, बड़ी आसानी से आराम से आप इसको तैयार कर सकते हैं। हमारे पास 5 वॉल्स हैं और वाई हमारे पास सेमी वॉल्स है, तो इस तरह ये हो गए 6। अगर हम इसको 3-2 हिस्सों में तकसीम करें तो पहले इस कैटेगरी में सी के साथ अगर हम ए लगा दें, यू लगा दें, ओ लगा दें तो ये काफ की आवाज़ देगी। अगर इसके साथ आई, ई या वाई लगा दें तो ये आपको सीन की आवाज़ देगी। अब मैं आपको इसकी 2-2 एग्जाम्पल देता जाता हूँ। सी ए टी कैट, तो ये कैट यहाँ पर ए आने की वजह से काफ की आवाज़ है। सी ए एन कैन, ए आने की वजह से यहाँ पर भी सी काफ की आवाज़ दे रही है। अब हम देख लेते हैं यू को, सी के आगे अगर यू आ जाता है जिस तरह सी यू टी कट, तो यहाँ पर सी काफ की आवाज़ दे रही है। इसी तरह सी यू आर आई ओ यू एस क्यूरियस, तजस्सुस जिसे कहते हैं, तो क्यूरियस में यू आने की वजह से यहां पर आपको काफ की आवाज मिल रही है। अगर हम फिर ओ की तरफ जाएं, सी के बाद अगर ओ आ जाए तब भी काफ की आवाज होगी। सी ओ डबल टी ओ एन कॉटन, तो यहां पर भी आपने देखा कि कॉटन में भी आपको सी ने काफ की आवाज दी। और जिस तरह हम लोग कोई वेबसाइट ऑन करते हैं www.com, तो यहां पर सी ओ एम, तो ओ आने की वजह से यहां पर जो है आप देखें सी जो है वो काफ की आवाज देती है। तो दोस्तों ये हिस्सा आपका क्लियर हो गया। दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि जो सी है वो सीन की आवाज़ कहाँ दे रही है। अगर हम पहले वॉल्स को देख लें तो वहाँ पर आई को अगर देखते हैं तो आई की मैं आपको 2 एग्जांपल दे देता हूँ। सिगरेट, सिगरेट में भी आई आने की वजह से सीन की आवाज़ है। और इसी तरह पेंसिल के आखिरी हिस्से में पी ई एन सी आई एल, तो यहाँ पर भी आखिरी हिस्से में आई आने की वजह से ये लफ्ज़ पेंसिल बना, इसलिए के सी के बाद आई आने की वजह से आवाज सीन की हो गई। दूसरा हमारे पास लफ्ज है, वर्ड है ई, तो ई आने के बाद अगर सी के बाद ई आ जाएगा तो भी आवाज आपको सीन की मिलेगी। जिस तरह सी ई डबल एल सेल है, ये कैल नहीं है सेल है। इसी तरह छत की सी ई आई एल आई एन जी सीलिंग, तो सीलिंग के स्पेलिंग में अगर आप देखें तो सी के आगे ई आने की वजह से आवाज जो है आपको सीन की आवाज मिल रही है। और आखिरी वर्ड हमारे पास आखिरी वॉल सेमी वॉल्स है वाई, तो सी के बाद अगर वाई आ जाए तो तब भी ये आवाज सीन की देगी। इसकी एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं साइबर क्राइम, जिस तरह आप सुनते होंगे साइबर में सी वाई बी ई आर साइबर, तो यहां पर आप देखें वाई आने की वजह से सी जो है वो सीन की आवाज दे रही है। और इसी तरह साइकिल सी वाई सी एल ई साइकिल, तो यहां पर भी सी ने सीन की आवाज़ दी, इसलिए कि सी के बाद वाई आ गया। तो दोस्तों ये बात क्लियर हो गई कि अगर ए ओ और यू आ जाए सी के बाद तो काफ की आवाज़ होगी, अगर आई ई और वाई आ जाए तो फिर ये सी जो है सीन की आवाज़ देगी। इस तरह की और भी वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि हम हमारे चैनल पे, अगर इस तरह के आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में जाएँ, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने और दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।